तो क्या कुछ मामला है जी? जैसे कि हमने आज से 3 महीने पहले महापौर महोदय को कर्मचारियों की मांगों से संबंधित मांग पत्र दिया, जिसमें मांग पत्र पर 2-3 बार वार्ता हो चुकी है और उसके बाद भी हमने 2-3 बार वेंडर भी दिया, लेकिन नतीजा 3 महीनों में 0। 15 दिन पहले हमने दोबारा महापौर महोदय को मांग पत्र दिया और पिछले मांग पत्र की भी याद दिलाई। महापौर महोदय को 15 दिन का समय दिया गया। कल 6 जुलाई को महापौर महोदय ने यूनियन को वार्ता के लिए बुलाया था, लेकिन वार्ता पर महापौर महोदय का रवैया निराशाजनक रहा, जिससे कर्मचारियों में रोष। डिपू में जो जीएम स्तर की डिमांडें जो जीएम साहब खुद सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उन मांगों को दरकिनार कर अड़ियल रवैया अपनाते हुए महाप्रबंधक महोदय ने बातचीत में रुचि नहीं दिखाई, जिससे कल की वार्ता भंग हो चुकी है। सर क्या कुछ मांगे थी? ये हमारी जो मांग है कर्मचारियों संबंधित मांगे, 16 सूत्रीय मांग पत्र दिया था हमने, जो जीएम साहब के अधीन आती है वो कर सकते हैं इन मांगों को। जैसे अन्य डिपो की तरह पर 33 ELDL जाए, 2012 से 2018 वर्ष के चालू को ट्रेनिंग फील्ड सर्विस में जोड़ा जाए। ये सारी मांगे जीएम साहब के अधीन आती हैं, जो कर सकते हैं ये, लेकिन निचले प्रशासन पर पकड़ न होने की वजह से या डुलमुल रवैया की वजह से ये मांगे लागू नहीं हो पा रही, जिसे कर्मचारियों में भारी रोष है। एक इसके अंदर हम ऐड करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो अप्रेंटिस कार्य करते हैं कर्मशाला के अंदर, उनका लगभग पिछले 2 साल से जो उनका बकाया राशि है, उनकी जो तनख्वाह है जी, वो सुचारू रूप से नहीं आती। बाकी हर एक डिपो के अंदर जो उनका स्टाइपेंड है वो पहली तरीक को मिल जाता है जी, तो जिस कारण जो ये प्रशिक्षु हैं ये काफ़ी तंग है, क्योंकि अपना खर्चे से भी तंग है, कईयों का घर ही इसी स्टाइपेंड पर निर्भर करता है। तो ये भी हम जीएम साहब से मांग करना चाहें, क्योंकि ये उनके अंतर्गत आती है जी मांग, कि जल्द से जल्द जो हमारे अप्रेंटिस भाई हैं उनका जो बकाया राशि है उनकी पॉलिसी इस प्रकार बनाएं कि पहली तरीक को या फिर हमारी तनख्वाह के साथ उनकी तनख्वाह भी अप्रेंटिसों की जाए। धन्यवाद सर। आपकी अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी महापौर महोदय का बुलावा आया है बातचीत करने के लिए, अगर बातचीत सकारात्मक रही टेबल पे बातचीत, देखो किसी भी समस्या का टेबल टॉक पे होता है, अगर बातचीत सफल रही तो हम जीएम साहब का धन्यवाद करेंगे, लेकिन नहीं उसके बाद हम महापौर आगे की रणनीति में आएंगे। हाँ जी सर, जिस प्रकार से रोडवेज कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने जो मांगे रखी हैं वो कहते हैं कि आपके अंतर्गत आती हैं। इनमें से काफी मांगे हैं जो हमारे अंतर्गत है, उनमें से कुछ पूरी करती हैं, कुछ पे काम चल रहा है, बाकी 2-4 मांगे हैं जो वो हेडक्वार्टर लेवल की हैं, उसमें हेडक्वार्टर को पहले भी लिखा गया है, एक बार दोबारा लिख भी देंगे, रिमाइंडर भी डाल देंगे और किसी न किसी ऑफिसर की ड्यूटी लगा देंगे जो वहां जाके इसके बारे में कंसल्ट भी कर लेंगे। जैसे जो अप्रेंटिस वाले हैं उनका वेतन रुका हुआ है काफी समय से, 2 महीने का रुका हुआ है और हर डिपो में दिया जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कई बार बजट का चक्कर पड़ गया था, पीछे भी मिल गया था और उनका 2-3 दिन में मिलने वाला। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।